भारतीय मीडिया पर गुज़िश्ता एक बरस से अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय के दरमियान तलाक की अफवाहें सरगर्म हैं, जिन पर जोड़े की जानिब से ताहाल किसी किस्म का रद्दअमल नहीं दिया गया। अब इस हवाले से खबरों ने मजीद जोर पकड़ लिया है, जब बॉलीवुड की कई मशहूर जोड़ियों के हवाले से पेशगोई करने वाले हिंदू पंडित जगन्नाथ गुरु जी ने अभिषेक और ऐश्वर्या के दरमियान अलहदगी की पेशगोई कर दी। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, आइए आपको बताते हैं। भारतीय बिजनेस टाइकून मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की शादी की तकरीब में अभिषेक बच्चन को अपने वालदैन अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के हमराह शिरकत करते हुए देखा गया, जबकि ऐश्वर्या राय और आराध्या को तकरीब में तन्हा आए देखा गया। वीडियो और तस्वीर वायरल हुई तो एक मरतबा फिर ये खबरें गर्दिश करने लगी कि दोनों में मामला ठीक नहीं है। इन अफवाहों को इस वक्त मजीद हवा मिली जब अभिषेक ने सोशल मीडिया पर भारतीय सहाफी की जानिब से शेयर तलाक से मुतालिक पोस्ट पर लाइक किया। बाद हजार सीनियर अदाकार अमिताभ बच्चन की पोस्ट ने भी सोशल मीडिया सार्फीन की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवा ली, जिसमें दर्ज था कि मुश्किल और कठिन काम की तरफ वापसी हो गई है, लेकिन जिंदगी कभी आसान नहीं होती। भारतीय मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जगन्नाथ गुरु जी का कहना था कि दोनों के ताल्लुक में ऐसा बहुत कुछ है जो लोग नहीं जानते। इल्म नजूम के मुताबिक दोनों की शादी का चलना मुकद्दर में नहीं था, लेकिन बेटी आराध्या की मोहब्बत ने इस जोड़ी को साथ रहने पर मजबूर किया। अभिषेक और ऐश्वर्या की पैदाइशी जायचे के मुताबिक जोड़ी के दरमियान अलहदगी काफी अरसे पहले ही मौजूद थी, लेकिन चूँकि अभिषेक और ऐश्वर्या दोनों ही समझदार हैं, चनाचे दोनों ने इस रिश्ते को निभाने की पूरी कोशिश की, लेकिन दोनों की कुंडलियां रिश्ते पर मनफी असर डाल रही थी। जगन्नाथ ने पेशगोई की कि हालात की वजह से अभिषेक और ऐश्वर्या जल्दी अलग हो सकते हैं। तलाक का नहीं कहा जा सकता, लेकिन आइंदा सालों में दोनों में अलहदगी का इम्कान ज्यादा है, जिसकी अहम वजह इस रिश्ते में मोहब्बत की कमी है। ताहम अलहदगी के बावजूद दोनों के दरमियान एहतराम और दोस्ती का रिश्ता बरकरार रहेगा।